मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में हड़ताली मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान डायलॉग बरकरार, PSAC का वजीर आजम से मुजाकरात में शामिल होने का मुतालबा। ट्रेजरी बोर्ड ने यूनियन के मुतालबात को नाकाबले बर्दाश्त करार दे दिया। कैनेडियन वजीर आजम ने अमरीकी सदर के दोबारा इंतखाब में हिस्सा लेने को बड़ी खबर करार दे दिया। ट्रूडो का कहना था कि जो बाइडन की पूरी दुनिया को जरूरत है, सालों तक उनके साथ काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। कैनेडा का सूडान से अपने शहरियों के इनखला के लिए फौज की खिदमात लेने का ऐलान। 200 कैनेडियन फौजियों को इनखला के मिशन के लिए भेजा जाएगा। वजीर दिफा का कहना था कि कैनेडियन शहरियों के इनखला के लिए महफूज लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। सूडान खाना जंगी में 460 हलाक, 2 अमरीकी भी शामिल। अक्वामे मुतहदा का कहना है कि सूडान में लड़ाई इंसानी बहरान को तबाही में बदल रही है। सूडान में 15.8 मिलियन तक अफराद को इमदाद की अशद जरूरत है। चीनी सदर का यूक्रेनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, रूस के साथ जारी जंग के खात्मे के लिए तबादला ख्याल। चीनी सदर का कहना था कि बातचीत और गुफ्तगुशनी थी जंग से निकलने का वाहिद रास्ता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के हड़ताली ग्रुपों के रहनुमाओं ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात में शामिल होने का मुतालबा कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के हड़ताली ग्रुपों के रहनुमाओं ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुजाकरात में शामिल होने और वफाकी हुकूमत के साथ एक नए मुहाइदे तक पहुंचने में मदद करने का मुतालबा किया। कैनेडियन हुकूमत इस बात का आदा जारी रखे हुए है कि वो चाहती है कि हड़ताल ख़त्म करने के लिए यूनियन थर्ड पार्टी लेबर बोर्ड की फरवरी की सिफारिशात को कबूल करे। पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले 10,000 वफाकी सरकारी मुलाजमीन ने एक हफ्ता कबल हड़ताल कर दी थी। हड़ताल कौमी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े आजर के एक अहम हिस्से को मुतासिर करती है। तकरीबन 30 महकमों में काम को मुतासिर करती है और इनकम टैक्स, गोशवारों और पासपोर्ट की प्रोसेसिंग समेत मुतादित खिदमात को मुतासिर करती है। यूनियन और हुकूमत 2021 से एक नई डील पर काम कर रही है और इस बात पर मुत्तफिक है कि कारकुनों को तनख्वाहों में इजाफा मिलना चाहिए। यूनियन का कहना है कि उसके अराकीन को जिंदगी की बढ़ती हुई लागत में मदद की जरूरत है और हुकूमत ने कहा है कि उसे एक मुहाइदे की जरूरत है जो यूनियन और टैक्स दहिंदगान के लिए मुनसिफाना हो। ट्रेजरी बोर्ड ने PSAC की एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले जारी करदा एक बयान में कहा कि मुलाजमीन और कैनेडियंस को ये जानने की जरूरत है कि यूनियन ऐसे मुतालबात को मेज पर रखना जारी रखे हुए है जो नाकाबिले बर्दाश्त है और इसकी वजह सदर मोना फोर्टियर से मंसूब है। इसमें मजीद कहा गया कि यूनियन को फरवरी से थर्ड पार्टी पब्लिक इंटरेस्ट कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशात के मुताबिक अपने मुतालबात को लाना शुरू करने की जरूरत है, जिसमें 3 सालों में कुल 9% इजाफा शामिल है। हम ऐसे मुहायदों पर दस्तखत नहीं करेंगे जिनका मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता और ना ही ऐसे मुहायदे जो कैनेडियनों को खिदमात फराहम करने की हमारी सलाहियत को शदीद मुतासिर करते हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर जो बाइडन के 2024 में दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने के मंसूबे का खैर मकदम करते हुए उसे बड़ी खबर करार दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर जो बाइडन के 2024 में दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने के मंसूबे का खैर मकदम करते हुए उसे बड़ी खबर करार दिया है। मंगल को पार्लियामेंट हिल पर काबीना के इजलास में जाते हुए नामा निगारों ने वज़ीर-ए-आज़म से पूछा कि बाइडन के ऐलान के बारे में उनका क्या ख्याल है। ट्रूडो का कहना था कि जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी खबर है कि सदर बाइडन ने तस्दीक की है कि वो जारी रखेंगे। वो एक ऐसे लीडर हैं जिसकी न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया को जरूरत है और मैं इसके साथ कई सालों तक काम जारी रखने का मुंतजर हूँ। बाइडन की दोबारा इंतखाबी दौर की तस्दीक मंगल की सुबह जारी होने वाली 3 मिनट की वीडियो की शक्ल में सामने आई, जिसमें अमरीकियों से कहा गया कि वो इन्हें और डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन शिद्दत पसंदों की मजम्मत करते हुए काम खत्म करने दें। बाइडन का कहना था कि जब मैंने 4 साल कबल सदर के लिए इंतखाब लड़ा था, मैंने कहा था कि हम अमरीका की रूह के लिए जंग में हैं और हम अब भी हैं। सवाल यह है कि हमें आने वाले सालों में ज्यादा आज़ादी मिलेगी या कम आज़ादी, ज्यादा हुकूक या कम। मैं जानता हूँ कि मैं क्या जवाब देना चाहता हूँ। अमरीकी सदर का कहना था कि ये मुतमईन होने का वक्त नहीं है, इसीलिए मैं दोबारा इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पिछले महीने बाइडन ने कनाडा का दौरा किया, जहाँ उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया और मुश्तरका खुशहाली के लिए मुश्तरका इकदार की अहमियत पर जोर देते हुए सरहद पार से पैदा होने वाली मुतअद्दिद रुकावटों से निमटने पर ट्रूडो से इत्तेफाक किया। कनाडा सूडान में शहरियों के इनखला में मदद के लिए 200 फौजी भेज रहा है, मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा सूडान में शहरियों के इनखला में मदद के लिए 200 फौजी भेज रहा है। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना है कि अब खत्ते में तैयारे मुसाफरों को ले जाने के लिए महफूज लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। वजीर दिफा अनीता आनंद ने तस्दीक की कि कनाडा जंग जदा सूडान से शहरियों के इनखला में तआवुन के लिए तकरीबन 200 फौजी तैनात करेगा। हाउस ऑफ कॉमन्स में सवालिया वक्फे से पहले आनंद ने सहाफियों को एक उजलत में जमा होने वाले ग्रुप को बताया कि वो C-130J हरकुलस ट्रांसपोर्ट मशरकी अफ्रीका में है, जो ही जमीनी इजाजत नामे पर खरतूम के लिए परवाजों की तैयारी कर रहे हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि सूडान में मुतहरिफ फरीकों के दरमियान 1800 कैनेडियन फंसे हुए हैं और उनमें से तकरीबन 700 ने इशारा दिया है कि वो बाहर निकलना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई जराए का कहना है कि कैंप पेटावा ऑनटेरियो से फौजियों की एक कंपनी को तहफ़ फराहम करने और इनखिला को मरबूत करने में मदद के लिए तैनात किया जाएगा। फर्स्ट कैनेडियन डिवीजन के हेडक्वार्टर का एक अनसर भी इजाफी निगरानी और कोऑर्डिनेशन फराहम करने के लिए भेजा गया है। ओटावा में एक तकनीकी ब्रीफिंग में पस मंजर पर बात करने वाले एक सीनियर विफाकी एहलकार ने कहा, ये फौजी उर्दन से बाहर काम करेंगे। आनंद ने फौजी दस्ते की तफसीलात नहीं बताई और ये वाजे नहीं किया कि क्या आया उसने जो नंबर पेश किए उनमें फिजाई दस्ता भी शामिल है। आनंद ने इस बात की भी तस्दीक नहीं की कि तैयारे के मकामात या फौजी कहाँ जा रहे हैं। मिलिट्री फ्लाइट ट्रैकर स्टीफन वॉटकिंस के पास डेटा मौजूद है, जिससे जाहिर होता है कि ट्रांसपोर्ट तैयारों की इत्तला आखिरी बार मशरकी अफ्रीकी मुल्क के शहर जबूती में दी गई थी। बुध के रोज पस मंजर पर बात करते हुए वफाकी हुकाम ने जबूती में तैयारी की मौजूदगी की तस्दीक की और कहा कि उनके साथ कनाडा की खसूसी ऑपरेशंस फोर्स का एक छोटा दस्ता भी मौजूद है। विफाकी हुकाम ने यह भी कहा कि कैनेडियन फ्रीगेट HMCS मॉन्ट्रियल और सप्लाई जहाज MV एस्ट्रिक्स खत्ते में है और मुमकिन समंदरी इनखिला की तवक्को में सूडान की बंदरगाह से इतिहादी जंगी जहाजों के साथ पोजीशन में चले गए हैं। कैनेडियन हुकाम ने कहा कि उनकी तवज्जो हवाई इनखिला के रास्ते पर है, क्योंकि बहुत से इनखिला को बंदरगाह तक पहुंचने के लिए 800 किलोमीटर से जायद का सफर तय करना पड़ेगा। हुकाम ने नोट किया कि अक्वामे मुतहदा के एक काफिले को बंदरगाह तक पहुँचने के लिए 22 चौकियों से गुजरना पड़ा। आनंद ने कहा कि कैनेडियन अहलकारों और आलात की नकलो हरकत पहले ही से जारी है। कैनेडा की मुसल्ला अफवाज सूडान से कैनेडियन अहल अफराद को निकालने के लिए कैनेडा की कोशिशों के लिए फौजी मदद फराहम कर रही है। कनाडा की मुसल्ला अफवाज के अहलकार और असासे इस इलाके में तैनात किए गए हैं और वो इनखिला की कार्रवाइयों के लिए मंसूबा बंदी कर रहे हैं, जहां एक मुखालिफ और गैर मुस्तहकम सिक्योरिटी माहौल है। वजीर ने यह नहीं बताया कि इनखिला की असल कार्रवाइयां कब शुरू होंगी। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ इस बात पर मुनहसर है कि सूडान के मुतहरिफ धड़ों के दरमियान जंग बंदी कितनी देर तक जारी रहती है। आनंद ने कहा, कैनेडियंस को कनाडा के हवाई जहाज के जरिए निकालने के लिए जमीन पर हालात ठीक होने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जमीन पर हालात बेहतर होने के बाद C-130S मुसाफरों को ले जाने के लिए तैयार है। आनंद ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हवाई जहाज के उतरने के लिए महफूज होना चाहिए और कनाडा के इनखिला के लिए खरतूम के फौजी हवाई अड्डे तक पहुँचने के लिए महफूज होना चाहिए, जिसे दूसरे इत्तेहादी ममालिक
उनके इनखला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वफाकी अहलकार ने पसे मंजर पर बात करते हुए कहा कि कनाडा में हंगामी मरकज के जरिए कैनेडियंस को कौंसलर खिदमात अब भी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों तक पहुँच रहे हैं जिन्होंने हुकूमत के साथ इंदराज कराया है। अहलकार ने जोर दिया कि इस हफ्ते के बाद मुस्तकबिल के इनखला के मंसूबों की कोई जमानत नहीं है। अमरीका ने सूडान में मुतहरिक फरीकों के दरमियान खाना जंगी में दूसरे अमरीकी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीका ने सूडान में मुतहरिक फरीकों के दरमियान खाना जंगी में दूसरे अमरीकी की हलाकत की तस्दीक कर दी है, जबकि सूडान से मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शहरियों को हंगामी तौर पर निकालने का सिलसिला जारी है। 50 से ज्यादा ममालिक के 1700 शहरियों को लेकर बहरी जहाज सऊदी अरब पहुंच गया। अक्वामे मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर जॉयस मिसोया ने कहा कि सूडान में लड़ाई इंसानी बहरान को तबाही में बदल रही है। उन्होंने सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग में बताया कि 15 अप्रैल से सूडान में जो कुछ सामने आ रहा है, जब सूडानी मुसल्ला अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान झड़पें शुरू हुई, वो आम शहरियों और इमदादी कारकुनों के लिए एक डरावना ख्वाब है। सूडान में 15.8 मिलियन तक अफराद को इमदाद की अशद जरूरत है। दूसरी जानिब आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूडान में दूसरे अमरीकी शहरी की हलाकत की तस्दीक की है और लवाहकीन से गहरी ताजियत का इजहार किया है। जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीका ने सूडानी मुसल्ला अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के पैरा मलेशिया ग्रुप की क्यादत को वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो शहरियों, गैर जंगजुओं, समाजी कारकुनों और गैर मुल्कियों की हिफाजत करें। इससे कबल जॉन कर्बी ने गुज़िश्ता जुमे को पहले अमरीकी की मौत का ऐलान किया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि सूडान की खाना जंगी में एक अमरीकी अफसोसनाक वाकये में मारा गया। जॉन कर्बी ने मुतवफी की शनाख्त नहीं की, ताहम उसके अहल खाना से ताजियत का इजहार किया था। जॉन कर्बी ने मजीद कहा कि हम दोनों फरीकों पर जोर देते हैं कि वो जंग बंदी को बरकरार रखें और उसकी मुद्दत में मजीद तौसी करें। वाजे रहे कि 15 अप्रैल से जारी फौज और RSF फोर्सेज के दरमियान झड़पों में कम अज कम 460 अफराद हलाक और 4000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देते हुए अपने यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा है कि बातचीत और गुफ्तगुशनी थी जंग से निकलने का वाहिद रास्ता है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देते हुए अपने यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा कि बातचीत और गुफ्तगुशनी थी जंग से निकलने का वाहिद रास्ता है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ता किया और रूस जंग पर तबादला ख्याल किया। चीन के सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की और रूस के साथ जारी जंग के खात्मे के लिए तबादला ख्याल किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 12 चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है और हाल ही में चीनी सदर के दौरे रूस पर भी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि चीनी हम मनसब को यूक्रेन में भी खुश आमदीद कहेंगे। चीन ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 12 नुकाती एजेंडा पेश किया था, जिसमें जंग को सियासी तस्वीर के जरिए हल करने का मुतालबा किया गया था। वाजे रहे कि चीन बाज़ाब्ता तौर पर यूक्रेन और रूस जंग में गैर जानिबदार रहा है, लेकिन चीनी सदर शी जिनपिंग ने कभी भी रूसी हमले की मजम्मत नहीं की, बल्कि रवा बरस ही वो मुसलसल तीसरी बार सदर बनने के बाद सबसे पहले रूस के दौरे पर पहुंचे थे। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।